आज हमारा हफ्ते का मिलने का दिन है पूरे भारत का, बहुत पुराना, बुद्ध से भी पुराना, जिसको हम सन्निपात बोला करते थे, सन्निपात बाहुल। सन्निपात बाहुल का मतलब है एक दूसरे के साथ बैठना और अधिकतर संख्या में, यानी कि सारे के सारे जगह जगह हम बैठा करते थे और बैठकर अपने पूरे जो हमारा गण परिसा या गण परिषद या जिसको संघ बोला करते थे, उस रूप में हम अपनी बातें, अपनी तरक्की, अपने दुख, अपने दर्द, अपने शादी ब्याह के कारज, अपनी समस्या, जो फ्यूचर के प्लान हैं वो, आगामी फसल की बातें, घर गृहस्थी की बातें, एक दूसरे के रिश्ते की बातें, हारी बीमारी परेशानी, या जो बाहर के कोई चैलेंज है, बाहर के कोई दुश्मन है, बाहर का कोई परेशान कर रहा है, कोई युद्ध है, कोई जानवर है, तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी बात करते थे। और जब हम बात करते थे तो खाली बात नहीं करते थे, उसकी समस्या के समाधान के लिए अपने साथ में हर एक व्यक्ति एक एक सत्तक दंड भी रखता था। सत्तक दंड मतलब शस्त्र वाला डंडा, जिसको आप बल्लम बोलते हैं, जिसको आप भाला बोलते हैं, जिसको आप त्रिशूल बोलते हैं, इस तरह का कोई डंडा हर एक व्यक्ति अपने साथ रखता था। 11 प्रकार के सत्तक दंड तो बुद्ध ने भिक्षुओं के और भिक्षुणियों के लिए ही अलाउ किए हैं, यानी 11 प्रकार के हथियार वो रख सकते थे। और जो गृहस्थ लोग थे उनके जो संघ है उनके लिए तो सारे प्रकार के शस्त्र अलाउ थे, यानी कि पूरा संघ बैठता था तो संघ हथियारों से सुसज्जित भी होता था कि कोई जानवर है, कोई परेशानी है, कहीं कोई ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए। ये प्राकृतिक नियम है कि जब भी जान पर बनती है तो अपनी जान बचाने के लिए आप सामने वाले को हताहत कर सकते हैं, ऐसा संविधान भी प्राकृतिक नियम के अनुसार ही बोलता है। और सारी दुनिया में ये प्राकृतिक नियम चलता है कि अपनी जान पर अगर खतरा आ जाए तो आप दूसरे की जान को हताहत कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जान पर खतरा हो। ये जो सन्निपात बाहुल का जो नियम है, ये इसलिए आपको हर शनिवार को बताया जाता है क्योंकि आप इसको याद करें, आप इसको मेमोराइज करें, आप इसको समझें, इसकी वैल्यू समझें, ये कितना इंपॉर्टेंट था पहले और ये किन लोगों ने बदल दिया, किन लोगों ने खत्म कर दिया, कैसे बदला, कैसे खत्म किया। आज का जो दिन है जिसको हम शनिवार बोलते हैं, शय पाली में नहीं होता, पाली में सिर्फ सह होता है, इसलिए जो सन्निपात था वो सन्निपात बाहुल को हम एक चर्या करते थे। चर्या का मतलब है प्रैक्टिस और अभ्यास, जैसे दिनचर्या होती है, यानी दिन का क्या कार्यक्रम है, दिन की क्या प्रैक्टिस है, दिन का क्या अभ्यास है, वैसे ही सन्निचर्या होती थी, सन्निपात चर्या, सन्निपात बाहुल चर्या। उस सन्निपात बाहुल चर्या से बाहुल शब्द निकल गया तो छोटी छोटी चर्याएं होने लगी तो सन्निपात चर्या हो गई, और सन्निपात चर्या से पात शब्द निकल गया तो सन्निचर्या हो गई, और सन्निचर्या से सनीचर हो गया, और सनीचर से शनिचर हो गया, और शनिचर से शनिचर्या हो गई, और फिर शनिवार हो गया। ऐसे ये पूरा का पूरा जो हफ्ते का जो दिन है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आता है जो हम सत्तक दंड लेकर चला करते थे जिसमें धातु का कुछ ना कुछ आगे फलक लगा होता था, तो हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई हमारा सत्तक दंड हमसे छिन जाए कि शनिवार के दिन, शनिचर्या के दिन जो लोहे की जो धातु है वो अशुभ होती है, उसको साथ नहीं रखना चाहिए। तो धातु तो कभी ना शुभ होती है ना अशुभ होती है, उसका इस्तेमाल जरूर शुभ और अशुभ होता है, यानी कि उसका इस्तेमाल किसी के लिए खराब हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है। सामने अगर जानवर आ गया और जानवर से आपने हमला किया अपने सत्तक दंड से, और लोहे का भाला उसके अंदर पूरा का पूरा आपने अंदर कर दिया, उसके जानवर मार दिया, तो आपकी जान बच गई, तो आपके लिए वो लोहा, वो धातु शुभ हो गई। और अगर किसी ने आपकी जान उस लोहे के धातु से ले ली तो आपके लिए अशुभ हो गई। तो जिनकी जान को खतरा था उस लोहे की धातु से, उनके लिए अशुभ थी, तो उन्होंने कहा कि ये अशुभ है,
और हमारे लोगों के दिमाग में जो सन्नीपात बाहुल करते थे, जो सन्नीचर्या करते थे, वो जो सारे के सारे बैठा करते थे, उन्होंने अपने सत्तक दंड छोड़ दिए। और वो उन्हें याद भी नहीं कि कभी सत्तक दंड उनके साथ हमेशा रहता था। उनकी राष्ट्रीय धरोहर थी, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा थी, वो सिर्फ लाठी लाठी रह गई। जो आपने देखा होगा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो लाठी लेकर चला करते थे, बस उस लाठी में से जो हथियार था लोहे का वो निकल गया। इसलिए सन्निपात बाहुल और सन्निचर्या और शनिवार या शनिवार हमको हमेशा याद रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हम जगह 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 10 20 30 50, 10 20 30 50, 10 20 30 50 हर शनिवार को सुबह में या दोपहर में या शाम में या रात में मिले। वैसे तो हफ्ते में रोज मिलना चाहिए, पर शनिवार को खास तौर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का पुराना दिन है और इस शनिचर्या को हमें लगातार करते रहना चाहिए। संघं नमामि, आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.